प्रीमियर लीग में अगर बात करें आज मैच 8 की, जहां मैच 8 आज सुबह सुबह हुआ और आज का जो पहला मैच था बहुत ही वन साइडेड मैच यहां पर हमें देखने को मिला। जहां जनकपुर बोल्ट्स वर्सेस पोखरा एवेंजर्स के बीच में मैच था और लगातार दूसरी हार पोखरा एवेंजर्स की कहीं ना कहीं हुई है। जिनकी अगर कप्तानी की बात करें, कुशल भुरतेल जिनकी कप्तान है, लगातार दो पे दो हार, और बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा घटना रहा है दोनों मैचेस की। हार जीत तीनों की होती रहती है लेकिन परफॉर्मेंस में कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। पिछले मैच में 62 पे ऑल आउट हो गए थे, इस बार 138 पे, बस इसको इंप्रूवमेंट तौर पर जरूर देख सकते हैं लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही है। बहुत ही एक तरफा जीत यहां पर मिली है। एंड सबसे पहले यहां पर बात करें तो पोखरा एवेंजर्स ने बैटिंग की है, क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे? जो 138 लगे भी उसमें लोकल प्लेयर्स का हद कितना था और ओवरसीज प्लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? जरूर देखिए, अगर बात करें तो 138 रन बनाए पोखरा एवेंजर्स ने, तो बहुत मुश्किल था 138 भी पहुंचना एक वक्त पे जो लग रहा था। लेकिन लोकल प्लेयर्स का हाल इतना तो बेहतर नहीं है। अगर हम स्कोर कार्ड पर नजर डालें, दिनेश खरेल जिन्होंने ओपनिंग की, सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए, काफ़ी बॉलें उन्होंने ले ली। एंड्रियस गॉस अच्छा जा रहे थे, थोड़ा सा ये अगर और लंबा जाते तो टीम के लिए और बेहतर होते और अच्छा कर सकते थे, पोटेंशियल इनमें बहुत ज़्यादा है। कुशल भुरतेल को अगर हम कहें तो एक और बार उनका फ्लॉप शो नज़र हमें आया बैटिंग से, अगर हम कहें। उसके बाद नज़र डालेंगे हम दिलीप नाथ पर, तो एक चौका उन्होंने लगाया, 14 रन, सबको थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला लेकिन सबने वेस्ट किया। बिल्कुल स्टार्ट जरूर मिला लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और स्कोर बड़ा नहीं कर पाया। और वहीं पर क्रिशले आए, उन्होंने 35 रन किए 30 बॉलों में, कुछ अच्छे शॉट दिखाए, अच्छे टच में नजर आए लेकिन वो भी 102 का जो टोटल हुआ वो भी आउट होकर चले गए। लेकिन जब डेथ फेस पर लीस जब ग्राउंड पर आए तब टीम तब जन्म माफ कीजिएगा पोखरा एवेंजर्स ने थोड़ी सी जान आई, तब उन्होंने कुछ शॉट दिखाए, 3 छक्के भी उन्होंने इस दौरान लगाए, बहुत तेज खेले और टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने में उन्होंने। बिल्कुल, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपकी इस पूरे बैटिंग कार्ड में लोकल प्लेयर्स की बात करें तो वो कंप्लीट फ्लॉप गए हैं। टॉप 3 जो स्कोरर्स हैं वो तीनों के तीनों ओवरसीज हैं। आप देखें क्रिचले 35 रन, माइकल लीस 25 रन, एंड्रियस गॉस 20 रन, और उसके बाद चौथा भी देख लें आप रैमन रेफर 17 रन। तो कंप्लीट लोकल प्लेयर्स का फेलियर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला लेकिन ओवरसीज प्लेयर्स में भी इतना कुछ खास नहीं था लेकिन टॉप स्कोरर्स यही सब थे। बात करें 138 तक टीम पहुंचने में कामयाब रही। उसके बाद वो अगर बात करें यहाँ पर जनकपुर बोल्ट्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग में यहाँ पर एक ओवरऑल यूनाइट परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। किशोर महतो ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट निकाला, निशम ने 2 विकेट निकाले, हर्ष ठाकेर ने 3 ओवर में 14 रन देकर विकेट निकाला लेकिन बहुत कंट्रोल बॉलिंग कर, ललित राजवंशी 3 विकेट कामयाब रहे, लगातार कंसिस्टेंट विकेट्स वो निकाल रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम की बात करें, ये भी बहुत कंसिस्टेंट अच्छा कर, 4 ओवर में 1 बड़े 17 रन 1 विकेट, और तुल बहादुर थापा 1 ओवर में मिला 12 रन खर्च किए, बहुत ज्यादा लेंथ थोड़ी सी अगर बैटिंग कर पाते तो शायद इन्हें 2-3 ओवर और कप्तान देते लेकिन पहले ओवर में काफी ज्यादा कैच भी छूटी। हाँ ये जरूर अब इससे और अंदाजा लगाइए कि पोखरा एवेंजर्स कितना खराब खेला है कि 4 कैचेस और कई फील्डिंग मिसेस की है यहाँ पर जनकपुर बोल्ट्स ने, 4 करीब करीब कैचेस छोड़ी है। लहरू मिलिंदा ने कैच छोड़ा विकेट कीपर ने, अनिल शाह ने कैच छोड़ा, हेमंत धामी ने कैच छोड़ा, इतने कैचेस छूटे, फिर उसके बाद ओवरथ्रो के रन दिए, फिर भी पोखरा एवेंजर्स का फायदा उठा पाया, सिर्फ 138 तक ही वो अपनी जो है गाड़ी जो है दो दम तोड़ती हुई नजर आए। एंड जब चेस करने के लिए आए बहुत ही स्मूथ चेस, बहुत ही पहला विकेट तो जल्दी गिरा दिया अनिल शाह का 10 रन पर, टीम के 10 रन के टोटल पर पहला विकेट गिरा लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप 72 रनों की आसिफ और लहरू मिलिंदा के बीच हुई और बहुत लहरू मिलिंदा रेड हॉट फॉर्म में है। और जब पहले मैच में 72 उन्होंने मारे थे तभी हमने वीडियो में हमारे कहा था आपको याद होगा कि ये लंबे चलेंगे, इस पूरे टूर्नामेंट में ही चलेंगे, आपने सुना होगा। देखिए पहले में 72, उसके बाद 24 मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी बनी हुई है, 20 से ओवर किया और आज फिर से 42। बिल्कुल, और आसिफ शेख ने 34 बॉलें ली हैं और ये दूसरों का फायदा उन्हें बहुत मिल रहा है कि टीम उस वक्त जब पिछले मैच में अनिल शाह काफी तेज खेले थे, उन्होंने पार्टनरशिप जरूर की और लेकिन वो मारने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनसे जा नहीं रही है, लग नहीं रही है, स्ट्रोक प्ले इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा आसिफ का। तो ये कहना कि आसिफ क्या पूरे टच में है, पूरे रिदम में नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथी प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पिछले मैच में अनिल को देखें, नेहरू को देखें, नीशम जो 5-10 बॉल के लिए आए उन्होंने भी नॉट आउट हो गए, आज भी सेम वैसे ही हुआ, नेहरू ने एक एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन आसिफ से नहीं हो पा रहा है ये क्लियर है। नीशम आए, हर्ष ठाकेर फिर आए, उन्होंने भी कुछ बाउंड्रीज दिखाई लेकिन फिर नीशम ने आके जो संभाला है वो आसानी से चेस। बिल्कुल 20 गेंदों में 40 रन 5 छक्के, मैच खत्म कर दिया, पूरा दफन कर दिया इस मैच को। जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी आसिफ
का विकेट मिलने के बाद वो भी खत्म हो गई पोखरा एवेंजर्स के लिए, बहुत ही जल्दी रैपिड खत्म कर दिया इस चेस को। अगर हम बात करें वही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हाल यहाँ पर नजर आया बॉलिंग डिपार्टमेंट का आप देखें। अगर आप यहाँ पर कप्तानी को भी आप देखिए, विपिन खत्री ने 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट निकाला, फिर उनको बॉलिंग दूसरा ओवर देने के बजाय वो 8-8 बॉलर तक पहुंच गए बॉलिंग कराने के लिए। आप यहाँ पर कप्तानी का भी जरा हाल देखिए, 1 ओवर में 6 रन दिए उस लड़के ने, उस प्लेयर ने, और उनको दूसरा ओवर मिला ही नहीं। हाँ। लेकिन और 3-3 नए बॉलरों को यहाँ पर बॉलिंग जरूर देकर पता नहीं क्या करने की कोशिश करते, बहुत ही खराब कप्तानी यहाँ पर रही और बॉलिंग कार्ड का हाल पूरा यही यहाँ पर रहा। बहुत ही आसानी से इस मैच को 7 विकेट से जनकपुर बोल्ट जो है वो जीतने में कामयाब रहा। बैक टू बैक 3 मैच जनकपुर बोल्ट जीता है, मेरे ख्याल से 2 और अगर वो जीतते तो सेमीफाइनल में अपने एक पैर क्या बल्कि दोनों ही पैर सेमीफाइनल में होंगे। 7 मैचेस टोटल है जी हाँ, 2 मैच और जीतने में डेफिनेटली वो सेमीफाइनल तो जा ही रहे हैं। फिलहाल के लिए पोखरा एवेंजर्स लगातार 2 हार चुके हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा, एंड्रूस गोस को फॉर्म में आना पड़ेगा और बाकी परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे वरना बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, नेक्स्ट मैच के रिपोर्ट एनालिसिस लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, उम्मीद तो करेंगे कि इंटरेस्टिंग बनाइए। तो मैच बहुत एक तरफा गया।